तो आप अपने इसी अटेम्प्ट में SBIPO एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा, SBIPO। आई हैव क्लियर्ड बोथ SBIPO एंड IBPS PO एग्जाम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ओन स्ट्रेटजी। तो ये वीडियो उन सब सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है, जो इस साल सेलेक्ट होना चाहते हैं SBIPO एग्जाम में। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है सिलेक्शन के बारे में, जो अपनी प्रिपरेशन के बारे में सीरियस नहीं है, वो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, जो मैंने खुद फॉलो करी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था बैंक एग्जाम्स की, जिससे मुझे SBIPO IBPS PO एग्जाम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन मिल पाया। हर साल मैक्सिमम बच्चे SBIPO का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते, वो लोग प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं, और जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं वो लोग मेंस में फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग गलत सोर्सेज से अपनी प्रिपरेशन करते हैं और गलत स्टडी प्लान फॉलो करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स, इसमें जो फ्री की PDFs आती हैं, वो उससे हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि इन ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एक्चुअल एग्जाम में आ जाएंगे, बट ये जो फ्री की PDFs, जो फ्री का कंटेंट होता है जो आप लेते हो, जिससे आप प्रैक्टिस करते हो फ्री में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। उसमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते कभी भी। इसके अलावा जो YouTube पे टीचर्स हैं बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के, वो लोग आपको बुक्स बता देते हैं कि हाँ ये बुक्स ले लीजिए, इनसे प्रिपरेशन करिए, वो आपको क्वेश्चंस देते हैं, बट उन बुक्स के क्वेश्चंस भी एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते। ऐसा मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जब बच्चे ये फ्री की PDFs या जो टीचर्स की बताई हुई बुक्स या कोई PDF बंडल, इससे प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन उन्हें एक्चुअल एग्जाम में नहीं मिलते। वो लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम में उनका माइंड स्ट्रक हो जाता है किसी ना किसी क्वेश्चन पे जाके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उन्होंने कभी करे ही नहीं होते प्रैक्टिस, जो वो सोर्सेज फॉलो कर रहे होते हैं, या तो फ्री के सोर्सेज या किसी टीचर की बताई हुई बुक्स, ऐसे PDF बंडल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम के क्वेश्चंस का अलग लेवल होता है। जो बच्चे एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ, वो ही एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन ले पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रीमलाइंड स्टडी प्लान देने वाला हूँ, जो आपको आज से फॉलो करना शुरू करना है मेरे बताए हुए स्टडी मटेरियल के साथ, जिसमें आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, वैसे क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक सबके मन में डाउट है कि कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं इस साल का। कुछ लोगों को लगता है कि अब लेट हो चुका है, बट नहीं, आज का जो दिन है, आज से अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी, तो डेफिनेटली अगर आपने इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए करा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आप इस साल सिलेक्शन ले जाओगे। अब कितने घंटे हमें प्रिपरेशन करनी है, कुछ बच्चे तो 13 से 14 घंटे दिन भर पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग पूरा दिन ही पढ़ते रहते हैं। आई थिंक 24 आवर्स में वो लोग अराउंड 15-16 आवर्स भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वैसे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग गलत स्टडी प्लान या जो मैंने बताया अभी आपको, गलत टाइप के सोर्सेज ही फॉलो करते रहते हैं। उससे उनका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाता है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। स्क्रीन पे जब क्वेश्चन सामने आता है तो उनका माइंड क्लाउडेड हो जाता है। तो आपको सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ना है, अगर आप ये स्टडी प्लान, मेरा बताया हुआ स्टडी प्लान फॉलो करेंगे, तो आपको सिर्फ आज से 5 से 6 घंटे देने हैं अपनी प्रिपरेशन को। उसमें आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, और आप इस साल बहुत अच्छे नंबर से SBIPO एग्जाम डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दूंगा हर सब्जेक्ट की, कि कैसे आज से पढ़ना है हर सब्जेक्ट के लिए। उससे पहले जिसके पास भी सिलेबस नहीं है, आपकी हेल्प के लिए पूरा डिटेल्ड सिलेबस SBIPO प्रीलिम्स और मेंस का आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अभी। जो भी इसको सेव करना चाहता है, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को सेव कर लो, ताकि ये सिलेबस आपके पास रहे। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे आते हैं, जो आज से हमें फॉलो करनी है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं, या फिर बहुत से स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है। जब मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट मैंने जो स्टडी प्लान और सोर्सेज फॉलो करे, उससे मेरे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरे IBPS PO प्रीलिम्स, इसमें मेरे 29 मार्क्स थे 30 में से। IBPS PO मेंस, इसमें मेरे 33 मार्क्स थे 40 में से, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। SBI में हमें सेक्शनल मार्क्स पता नहीं चल पाते, इसलिए उसके मार्क्स मुझे नहीं पता, बट मैंने इंग्लिश में उसमें भी बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट्स किए थे। तो इंग्लिश में आज से आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले तो इंग्लिश में आपको टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश ये जो बुक है इसमें से आज से 15 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ 15 क्वेश्चंस आपको इसमें से प्रैक्टिस करने हैं आज से डेली बेसिस पे। एग्जाम लेवल के हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। अब ये ई बुक कहाँ से मिलेगी आपको, उसका लिंक मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो के, आप जाके ले लीजिएगा इस बुक को। मैंने खुद इसी बुक से पूरी प्रैक्टिस करी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड इसमें से मैं डेली 15 क्वेश्चंस करते हुए चलता था। तो 15 क्वेश्चंस इसमें से आपको सॉल्व करने हैं, उसके बाद इसी बुक में आपको मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में। ऐसे कोई वर्ड दे देते हैं, कहते हैं इस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बताओ, और 5 ऑप्शन दिए होते हैं। हम लोग ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये वर्ड्स हर साल रिपीट होते हैं। ये सारे मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड्स हैं ये आपको उसी बुक में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको डेली 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम आज से पढ़ने शुरू कर देने हैं। बार बार जब हम इनको पढ़ते रहेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 10 से 15 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में आएगा SBIPO में। इंग्लिश सेक्शन में 10 से 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और इंग्लिश ही ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अगर आप इस स्टडी प्लान को आज से फॉलो करो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको डेली 5 सेट प्रैक्टिस करने हैं। RC की एक ई बुक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका लिंक दे दूंगा कॉमेंट सेक्शन में। उसमें से आपको डेली 5 सेट प्रैक्टिस करने हैं। 5 सेट का मतलब है एक सेट में एक पैराग्राफ होता है एंड उसके 5 क्वेश्चंस। तो ऐसे 5 सेट आप डेली बेसिस पे वहाँ से करेंगे। इसमें आपको एग्जाम लेवल प्रीलिम्स और मेंस दोनों के इस ई बुक में RC के सेट मिल जाएंगे। 5 सेट प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसी बुक में से 5 सेट क्लोज टेस्ट के भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ऑल्टरनेट डे पे। जैसे कि आज हमने 5 सेट RC के करे तो कल हम 5 सेट क्लोज टेस्ट के करेंगे। क्लोज टेस्ट भी RC की तरह ही होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह। उसमें एक पैराग्राफ होता है, उसके बीच में ब्लैंक्स दे रखे होते हैं और ऑप्शंस दे रखे होते हैं, ब्लैंक्स भरने होते हैं। सुनने में ईजी लगता है, लेकिन अगर आपने एग्जाम लेवल क्वेश्चंस नहीं करे इसके तो क्या होगा, आप क्वेश्चंस तो कर लोगे फ्री की PDF में से, बट वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, अलग ही लेवल होगा क्वेश्चंस का, फिर आपका माइंड वहाँ पे जाके स्टक हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसी साल एग्जाम क्लियर करना है। तो RC की बुक में से 5 सेट आज से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सेट दे रखे हैं, उसमें वहाँ से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इसके बाद इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए स्पीड ग्रामर की जो बुक है वहाँ से डेली आपको 15 ग्रामर के रूल्स पढ़ते हुए चलने हैं। ग्रामर के रूल्स जब हम पढ़ेंगे तो एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, इसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि हमारी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी। हमें तुरंत सेंटेंस पढ़ते ही एरर पता चल जाएगा कि कहाँ पे एरर है, और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, एसे और लेटर जो होता है वहाँ भी आपकी ग्रामर ही चेक होती है। कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो आपने नहीं करी है कहीं, उसी के मार्क्स कट हो जाते हैं, इसीलिए बच्चे डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाते हैं। तो ग्रामर की जो बुक मैंने बताई वहाँ से आप डेली 15 रूल ग्रामर के पढ़ते हुए चलेंगे आज रात से। इंग्लिश में आपको सिर्फ इतना करना है, बस अगर आपने इतने टास्क कर लिए आज से रोज तो SBIPO में इंग्लिश में आपके मैक्सिमम मार्क्स आने वाले हैं। आई डू नॉट केयर अगर आप इंग्लिश में अभी वीक हैं, जैसे मैं भी एवरेज था इंग्लिश में शुरू में, बट अगर आपने ये सारे टास्क आज से शुरू कर दिए तो इंग्लिश में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर जाओगे इस साल SBIPO में, बट आपको आज से ही इसको शुरू करना है। अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, ठीक है। तो जो बच्चे बिगिनर हैं क्वांट के, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए हैं अभी, तो आपको बेसिक क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही एग्जाम लेवल क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। तो क्वांट में आपको जो बेसिक क्वांट की जो ई बुक है वहाँ से आप डेली आज से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपके जो भी टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन हर टॉपिक के मिल जाएंगे। तो आपको 4 दिन में इस बुक को ख़त्म कर देना है, बेसिक वाली को, और इसी के साथ आज से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं क्वांट के। तो डेली आप आज से 20 क्वेश्चंस क्वांट के सॉल्व करेंगे बेसिक क्वांट की ईबुक में से। कैसे सॉल्व करना है, उस बुक में से आपको 6 क्वेश्चन उठाने हैं, 6 क्वेश्चन आपको 3 मिनट में करके देखने कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अभी आप टाइमर के साथ मत करिएगा, अभी आप पहले बेसिक बिना टाइम के सॉल्व करिएगा। विद टाइम जब कुछ दिनों बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप टाइमर के साथ ऐसे करिएगा कि 6 क्वेश्चन आपको 3 मिनट में सॉल्व करने हैं फॉर prelims। मेंस में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बेसिक की ई बुक ये जो है ये 4 दिन में आपकी फिनिश हो जाएगी। इसी के साथ आज से आपको 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर की क्वांट की ई बुक में से। जब आप पिछले साल के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करोगे, जो कि मैंने भी किया था,
तो आपका जो माइंड है वो उस लेवल के क्वेश्चंस को बिल्कुल पकड़ लेगा। जब एग्जाम में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने कर रखा है पहले, प्रीवियस ईयर क्वांट की ई बुक में करा था मैंने, जो आशुतोष सर ने बताई थी, और वो क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व होगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इस साल भी आएंगे। बैंक एग्जाम्स का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, हाँ कुछ सालों में चेंज हो गया है, बट ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, बहुत सारी कंपनीज के आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं होते, वो वैसे क्वेश्चन होते हैं कि किसी ने मेमोरी के बेसिस पे उस क्वेश्चन को बनाया होता है कि हाँ मैं 2 साल पहले एग्जाम देने गया था तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, तो कुछ किसी टीचर को बताया तो उसने ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया। नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है जो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वांट की ईबुक में मिलेगा। आज से वहां से आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देने हैं, उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वांट में आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आपने इतना कर लिया कि 20 बेसिक क्वेश्चंस करे रोज, 4 दिन में वो बुक खत्म कर दी, और आज से 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ईबुक से करें, बस इतना, तो आपके क्वांट में बहुत अच्छे स्कोर्स आने वाले हैं इस साल, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। रीजनिंग की जो स्ट्रैटेजी है, इसके बाद जो रीजनिंग की है वो भी सिमिलर है क्वांट से। तो रीजनिंग में आपको टॉपर्स ईबुक जो है रीजनिंग की, वहाँ से आपको 20 क्वेश्चन आज से प्रैक्टिस करने हैं रोज, ठीक है, उसमें आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बिगिनर अगर आप हैं तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो आप बेसिक पे भी फोकस कीजिए, ठीक है, बेसिक लेवल क्वेश्चंस कीजिए। उसी में एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी हैं उस बुक में, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी वहाँ से कीजिए। डेली आप 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन कीजिए और 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चन कीजिए टॉपर्स ईबुक फॉर रीजनिंग में से। उसके बाद आज से आपको इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं रीजनिंग के, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ईबुक में से। तो ये रही क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रेटजी, दोनों में एक एक बेसिक की बुक है, बेसिक की बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली आज से, एंड डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो दोनों बुक्स हैं उसमें से 20-20 क्वेश्चंस क्वांट और रीजनिंग के प्रैक्टिस करने हैं, बस इतना। अगर क्वांट और रीजनिंग में आपने कर लिया बस इतना, इन बुक्स को अगर सॉल्व कर लिया तो ये इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। और किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और कोई पीडीएफ बंडल नहीं लेना है आपको जिसमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं, आपको पीडीएफ बंडल मत लीजिएगा, कोई किसी टीचर की बताई हुई बुक पे मत जाइए, आपको वो स्ट्रेटजी वो स्टडी प्लान फॉलो करना है जो खुद कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट आपको बता रहा है, जो उसने खुद फॉलो करा है, जैसे कि मैं। अब हम बात कर लेते हैं जीए की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि जब हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो हम जनरल अवेयरनेस की पढ़ाई शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। SBIPO अगर आपको क्लियर करना है तो आज से आप GA की भी तैयारी करेंगे। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक हमें लगता है कि अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ के चले गए, सिर्फ करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिए कि हाँ न्यूज़ में क्या चल रहा है और ये सारी करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में और मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। सिर्फ 40% क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में से, बाकी जो 60% क्वेश्चन है वो आपके आते हैं बैंकिंग में से, क्योंकि आप बैंक में जा रहे हो, एज अ बैंकर आपको जॉब चाहिए, तो क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक बैंकिंग के, करंट बैंकिंग के, इसके साथ ही गवर्नमेंट पॉलिसीज के। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं, ये सारे क्वेश्चन बच्चे मिस आउट कर देते हैं, इसीलिए जीए सेक्शन नहीं क्लियर कर पाते, जीए सेक्शन में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते SBIPO जैसे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व डेली, आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आज से 301 MCQ की जो बुक है वहां से। इसका लिंक भी आपकी हेल्प के लिए मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने इसमें जब मैं IBPSPO का एग्जाम देने गया था 15 क्वेश्चन इसमें से रिपीट हुए थे, मेरे बैंकिंग अवेयरनेस में से 15 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे एक्चुअल एग्जाम में। इस बुक में वो सारे क्वेश्चन है जो हर साल बार बार किसी ना किसी तरह में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, वन वे और दी अदर वो लोग घुमा के क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, बट वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में आपको मिल जाएंगे, स्टैटिक बैंकिंग के, करेंट बैंकिंग के, और मिल जाएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज के। तो आज से डेली 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ने हैं, 301 MCQ की जो ईबुक है आज से उसको शुरू करने हैं। इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स है, जो 40% आपका GA सेक्शन है, उसके लिए आपको अफेयर्स क्लाउड या कोई भी YouTube चैनल जो आपको पसंद हो, जैसे मैंने अफेयर्स क्लाउड फॉलो करा था, तो वहाँ से मैं डेली वीकली करंट अफेयर की वीडियो आती थी तो वो मैं डेली पढ़ता था, उस वीडियो को मैं देख लेता था, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। बट ये सिर्फ 40% है, बाकी का 60% है 301 MCQ की ईबुक। अगर 60% मार्क्स स्कोर करने हैं तो कम से कम वो ई बुक तो करके ही जानी है 301 MCQ की। मैंने आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दी, क्वांट की बता दी, रीजनिंग की बता दी, और आपको बता दी GA की।
इतना बस अगर आपने कर लिया तो इन सारे सेक्शंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, प्रोवाइडेड आप आज से इसको शुरू करें। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन कैसे क्लियर हो पाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो है उसमें एक लेटर पूछा जाता है, एक एसे पूछा जाता है, टाइम लिमिट 30 मिनट्स की होती है, उसमें आपको इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में लेटर और एसे, इसमें आपको डेली आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, एक लेटर और एक एसे टाइप करके प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले आप चाहो तो आप राइट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो स्टार्टिंग में, बट अभी से आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए इसे। अभी फर्स्ट वीक आपको आज से पहले हफ्ते में डिस्क्रिप्टिव में आपको समझना है कि ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, लेटर के क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कैसे लेटर के फॉर्मेट्स होते हैं, बैंक के जो लेटर आते हैं, बैंक के एग्जाम में जो लेटर पूछे जाते हैं उसका क्या फॉर्मेट होता है। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बुक जो है उसका लिंक भी दे दूंगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में, उसमें आपको सारे के सारे लेटर के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, ऐसे कैसे लिखना है वो मिल जाएगा, सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के। इसके साथ ही आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसपे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एक लेटर और एक ऐसे की, सेकेंड वीक से। फर्स्ट वीक आपको आज से डिस्क्रिप्टिव में समझना है खाली इस बुक में से कि कैसे हम लेटर और ऐसे को लिखेंगे। मैंने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी बता दी है जो मैंने खुद फॉलो करी थी, मैंने खुद इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, इन बुक्स को फॉलो करा है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। इसी की मदद से मैं SBI PO जैसा एग्जाम और IBPS PO दोनों अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया। अब चॉइस इज योर्स, जो स्टूडेंट आज रात से इन बुक्स को लेके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देगा वो इस साल हर हाल में सिलेक्शन ले जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर जाएगा। अगर आपके मन में ये डाउट है कि अगर मैं आज से शुरू करूं तो क्या मैं क्लियर कर सकता हूं, तो मेरा आंसर यही है कि हाँ, अगर आप मेरा बताया हुआ स्टडी प्लान और बुक्स आज से फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको इन बुक्स का लेटेस्ट एडिशन ही लेना है, पुराने पैटर्न की बुक्स पे नहीं जाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको बाय नाउ ऑप्शन यूज़ करना है अमेज़ॉन पे। इन लिंक्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाय नाउ ऑप्शन से ही आपको लेटेस्ट एडिशन की ई बुक्स मिल पाएंगी। उसे बुक्स को लेकर आज से इस स्टडी प्लान को शुरू कर दीजिए, सिर्फ 5 से 6 घंटे इसको फॉलो अगर आज से कर लिया तो डेफिनेटली इस साल आप SBI PO एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। जो बच्चे सीरियस हैं वो आज से इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे एंड डेफिनेटली विल सी यू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, बट जो बच्चे सीरियस नहीं हैं वो इसको स्किप कर देंगे, सोचेंगे हम कल से शुरू करें। थिंकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप एक्शन लें और अभी से स्टार्ट करें, तभी आप इस साल SBI PO एग्जाम क्लियर कर पाओगे। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।